आज का ये व्लॉग एक ऐसे नौजवान के बारे में है जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि घोड़ा गाड़ी घोड़े के बगैर भी चलाई जा सकती है। यूं उसने दुनिया की पहली कार इजाद की। मैं इस कार के सामने खड़ा हूँ। यस, ये थे कार्ल बेंज जिन्होंने सबसे पहली कार इजाद की थी, और ये शहर है मानहाइम जहाँ उन्होंने सबसे पहली अपनी कार बनाई थी। इस वीलॉग में आप जानेंगे उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में, रियल लोकेशंस, वो कहाँ पैदा हुए, उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, उनकी फैक्ट्रीज कहाँ हैं, उनके बच्चों की फैक्ट्रीज कहाँ हैं, उनका पहला गैराज कहाँ है और उनकी खबर। तो जुड़े रहिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया है मेरा चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करा लें, क्योंकि 50% जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अनसब्सक्राइब हैं। और बेल आइकॉन पे भी जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि आपको मेरी नई व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलें फिर चलते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं। ये म्यूलबर्ग का एरिया है कार्लसरूए के पास। यहाँ 1844 में कार्ल्स बेंज पैदा हुए थे। ये इनका घर है, ये पूरा यहाँ घर हुआ करता था। अब यहाँ कुछ और चीज़ है, एक उनके वालिद इंजन ड्राइवर थे, और कार्ल्स बेंज जब 2 साल के थे तो उनकी वालिद का इंतकाल हो गया था। उनके इंतकाल के बाद उनकी वालदा ने उनकी परवरिश की और उनको बेहतरीन तालीम दी। पहले वो स्कूल गए, उसके बाद यहाँ कार्लसरूए के पॉलीटेक्निक स्कूल में उनका एडमिशन हो गया, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलते हैं। ये है कार्लसरूए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले इसका नाम था कार्लसरूए पॉलीटेक्निक। 1864 में कार्ल्स बेंज ने यहाँ से ग्रेजुएशन की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने डिग्री हासिल की, और उसके बाद फिर मानहाइम का रुख किया और वहाँ मुख्तलिफ जॉब्स की, यानी उन्होंने ड्राफ्ट्समैन की जॉब्स की, उन्होंने आयरन कंपनी में जॉब की, और उसके बाद फिर इरादा किया कि वो खुद की अपनी कंपनी बनाएंगे और वो एक कार इजाद करेंगे। कार्ल्स बेंज बगैर घोड़े वाली गाड़ी का पहला प्रोटोटाइप बनाने के लिए 2 साल तक मेहनत की। कार्ल बेंज अपनी मेहनत का समर देखकर बहुत पुरजोश हुए। 1888 तक इस ऑटोमोबाइल पर काम मुकम्मल हो गया और इस गाड़ी को बेंज पेटेंट मोटर वैगन का नाम दिया गया।
अमेरिका से है जहां कार्ल्स मेंस ने सबसे पहले अपनी पब्लिक डेमोंस्ट्रेशन दी थी गाड़ी की, और यहां उसने पूरी गाड़ी चलाई थी। ये पूरा आप रास्ता देख सकते हैं, यहां पूरी गाड़ी लेके गया था। और फिर आगे जाके, क्योंकि फर्स्ट गाड़ी थी, उसको इतना बैलेंस नहीं आया गाड़ी चलाने में, और उसकी गाड़ी दीवार पे टकरा गई, और उनकी वाइफ और उनका बेटा उनके पीछे पीछे गाड़ी में, उनके पीछे पीछे थे बेंजीन एक बोतल में लेके, क्योंकि इस गाड़ी में सिर्फ एक ही चीज नहीं थी, वो थी पेट्रोल की टंकी, बाकी पूरी गाड़ी कंप्लीट थी। ये वो दीवार है जहां कार्ल बेंज की गाड़ी टकरा गई थी, और उसके बाद फिर उसने महसूस किया कि गाड़ी चलाने का भी एक्सपीरियंस लिया जाए। तो फिर उसने एवरी वीक, हर हफ्ते गाड़ी चलाता गया, और उसको गाड़ी पे उबूर हासिल होता गया। ১৮৮৬ में कार्ल बेंज ने नेकरश्टाट की मजाफात में वाल्डहॉफ स्ट्रीट में 4,000 मुरब्बा मीटर का प्लॉट खरीदा, और वहां 3 मंजिला फैक्ट्री की इमारत तामीर की। इसका मकसद स्टेशनरी इंजनों की पैदावार को 80 से 500 तक बढ़ाना था। ये कार्ल्स बेंज का गैराज हुआ करता था। ऊपर इनका स्टडी रूम था, और नीचे उनकी विक्टोरिया गाड़ी जो एक मॉडल था विक्टोरिया का, वो यहाँ पार्क करते थे, और ऊपर उनका स्टडी रूम था जहाँ वो अपनी स्टडी किया करते थे और आगे मॉडल्स की डिज़ाइनिंग का काम करते थे। तो ये 1893 में यहाँ ये कार्ल बेंज अपनी विक्टोरिया गाड़ी को पार्क किया करते थे, और ऊपर जाके डिज़ाइनिंग का काम करते थे, पढ़ते थे, नए मॉडल की तैयारी करते थे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है कार्ल्स बेंज का घर, जो 1905 से इन्होंने यहाँ रहना शुरू किया, और मरते दम तक वो यहीं रहे। ये शहर है लाडनबर्ग, जिसको कार्ल्स बेंज का शहर भी कहा जाता है। इनकी ऑटोमोबाइल की वर्कशॉप भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा। इस घर को करीब से दिखाते हैं। बहुत पुराना घर है, 1898 का घर है, और यहीं कार्ल्स बेंज रहते थे अपनी पूरी फैमिली के साथ।
कार्ल बेंज ने 1906 में अपने बड़े बेटे युंगन के साथ मिलकर कंपनी की बुनियाद रखी, जिसे बेंज सन्स के नाम से जाना जाता है। शुरू में वो सिर्फ लाडनबुर्ग के नए मुकाम पर स्टेशनरी इंजन बनाना चाहते थे, लेकिन 1908 के अवाइल में जब दूसरे बेंज के बेटे रिचर्ड ने कंपनी में शमूलियत अख्तियार की, फैसला किया गया कि गाड़ियां भी तैयार की जाए। यहां तक कि पहले मॉडल एक 8x18 HP कार को भी पुरजोश ग्राहक मिल सके। मैं इस वक्त कार्ल्स बेंज की आखिरी आरामगाह में हूँ। ये कार्ल्स बेंज की कब्र है। कार्ल्स बेंज, जर्मन इन्वेंटर, मौजिद, जिसने पहली कार बनाई और एक दुनिया में तहलका मच गया। लोग पहले घोड़ा गाड़ी में सफ़र किया करते थे। ये वही शख्स है जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया के घोड़े के बगैर भी गाड़ी चल सकती है, और यूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का स्टार्ट हुआ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फादर कहा जाता है इन्हें, कार्ल्स बेंज को। देख सकते हैं इनकी कब्र, इनकी वाइफ की भी कब्र यही है, इनके साथी है। उनका भी बहुत बड़ा रोल है कार्ल्स बेंज की सक्सेस में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगा।